हेलो दोस्तों, तो क्या चल रहा है आजकल? दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा कि हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही सुपरस्टिशन है, यानी कि अंधविश्वास है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश में मानी जाती है। आप एग्जांपल अपने घर से ही ले सकते हैं। आपने ज़रूर ये सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि तुलसी को मत चबाओ, या फिर आपने ये तो सुना ही होगा किसी भी शुभ काम से पहले दही चीनी खाना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक सुपरस्टिशन नहीं बल्कि इसे साइंस ने अप्रूव किया है? दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको वही प्रूफ देने वाला हूँ कि साइंस ने इन बातों को प्रूव किया है, और ये कोलैबोरेशन वीडियो है मेरे एक साथी यूट्यूबर के साथ जिनका नाम है अनसीन भारत। दोस्तों, किसी काम के लिए जाने के पहले हम दही चीनी खाते, अपनी नई गाड़ी या अपने घर के आगे नींबू मिर्ची लगाते। ये सारे के सारे काम हम सब ने किए, ये जानकर भी कि ये सारे अंधविश्वास हैं और इनसे कुछ भी नहीं होता है। भारत में इन सारे रिवाजों को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है बिना इसके पीछे के रीजन जाने हुए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत के कुछ ऐसे रिवाजों के बारे में जिनके पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट डीप इनटू द वीडियो टाइटल्ड साइंस बिहाइंड इंडियन रिचुअल्स। दोस्तों, आपने ऐसा जरूर देखा होगा कि लोग अपनी गाड़ी के आगे, अपने घर के आगे नींबू मिर्ची टांगते हैं। शायद आपने भी ऐसा जरूर किया होगा। ये माना जाता है कि घर के आगे नींबू मिर्ची टांगने से बुरी आत्मा, भूत प्रेत आपके घर में प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको जरूर ये बातें फालतू लगती होगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे भी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि नींबू और मिर्च को घर में लगाने के पीछे का साइंस क्या है। दोस्तों, नींबू और मिर्च दोनों ही विटामिन सी में रिच होते हैं, तो जब आप नींबू और मिर्च को टांगने जाएंगे तब आप ज़रूरी उसमें एक होल करेंगे और एक थ्रेड लगाएंगे। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, जो भी जूस होगा वो उस थ्रेड पर लग जाएगा और ऐसे ही करके वो जूस एवापोरेट हो जाएगा उस थ्रेड से, यानी कि हवा में मिल जाएगा और वो एक अरोमा की तरह काम करेगा, यानी कि वो घर से इंसेक्ट्स और पेस्ट को दूर रखेगा और एक एंटीबैक्टीरियल चीज़ की तरह काम करेगा। तो दोस्तों, ये था साइंस नींबू मिर्च टांगने के पीछे। दोस्तों, हम जब भी किसी के भी अंतिम संस्कार की क्रिया में हिस्सा लेते हैं तो ये कहा जाता है कि हमें अपने घर के अंदर जाने से पहले नहाकर जाना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि हम जब भी किसी के भी अंतिम संस्कार की क्रिया में जाते हैं तो हमारा पूरा शरीर अशुद्ध हो जाता है और हमें अपने घर के अंदर घुसने से पहले अपने शरीर को नहाकर शुद्ध करना होता है। आखिर इस रिवाज के पीछे विज्ञान का क्या कहना है? दोस्तों, जब हम किसी के फ्यूनरल यानी कि उसके अंतिम संस्कार से लौटते हैं तो हमें नहाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि हो सकता है कि उसके शरीर पर कोई बैक्टीरिया हो या फिर उसका डेथ का रीज़न कोई बीमारी हो, तो उस वजह से हो सकता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर पर भी आ गया हो। तो साइंस यही कहता है कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया को अवॉइड करने के लिए हमें अच्छी तरीके से नहा लेना चाहिए इससे पहले हम घर आएँ। दोस्तों, वैसे तो पीपल का पेड़ हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, पर भारत में पीपल के पेड़ को लगाना अच्छा नहीं माना जाता है और ये भी कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि पीपल के पेड़ में बुरी आत्मा रहती है और आप पीपल के पेड़ के नीचे सोते हो तो वो बुरी आत्मा आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। क्वाइट फनी राइट? पर इतना भी नहीं दोस्तों, पीपल ट्री यानी कि पीपल के पेड़ से दूर रहने के लिए सलाह हमें इसलिए दी जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक पेड़ दिन में फोटोसिंथेसिस करता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही प्रक्रिया है जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन में बदली जाती है और ऑक्सीजन को हम सांस में लेते हैं। तो दोस्तों, रात में यही चीज़ पेड़ उल्टा करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में जाए तो हमारे लिए वो जहरीली साबित हो सकती है। और अब आप कहेंगे कि अगर हर पेड़ से दूर रहने को कहते हैं तो फिर सिर्फ पीपल ट्री को इतने खास तरीके से क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, आपने ये चीज़ गौर की होगी कि पीपल ट्री काफ़ी ज़्यादा घना है, इसलिए उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता होगा, इसलिए आपको ना कहा जाता है कि रात में आप पीपल ट्री के पास ना जाएं।
दोस्तों जब हमारा कोई करीबी गुजर जाता है तो ये माना जाता है कि हमें कुछ दिनों तक खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि हम तब खाना खाते हैं तो उस मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को बुरा लगता है। पर दोस्तों इसके पीछे भी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। दोस्तों ये तो हम सब जानते होंगे कि अगर किसी का कोई करीबी या फिर जान पहचान वाला गुजर जाता है तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहता है और वो कुछ दिनों तक सही फील नहीं करता है। तो दोस्तों खाना ना बनाने से और खाना ना खाने से शायद उसके माइंड को वो थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिल जाता है और उसका माइंड को थोड़ा सा शांत होने का टाइम मिल जाता है। तो दोस्तों ये रिवाज बेसिकली साइंस की तरफ से ऐसे देखा जा सकता है कि ये परिवार को थोड़ा सा टाइम देता है कि वो रिकवर हो जाए। दोस्तों भारत में तुलसी पौधे को माँ का दर्जा दिया जाता है। ये माना जाता है कि तुलसी के पौधे में तुलसी माँ निवास करती है, इसीलिए ये कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं चाहिए, उसे सीधा निगल जाना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि तुलसी के पत्तों को चबाने से तुलसी माँ का अपमान होता है। दोस्तों जिसने भी पहले ज़माने में ये बात कही थी उन्होंने काफ़ी सोच समझ कर इस बात को कहा था। दोस्तों तुलसी को ना चबाने के पीछे एक बहुत ही गहरा साइंस है। दोस्तों तुलसी में कई ऐसे केमिकल मौजूद होते हैं जो हमारे दांत और हमारे मसूरों को डैमेज कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारा कोई दांत टूट जाए या फिर हमारे मसूरे ढीले हो जाए। इस वजह से हमें कहा जाता है कि हमें तुलसी को नहीं चबाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा ही लॉस होगा। दोस्तों आपका कोई ज़रूरी काम हो या फिर आपका एग्ज़ाम हो तो आप ज़रूर दही चीनी खा के तो गए होंगे, क्योंकि दही चीनी को गुड़लक माना जाता है। दोस्तों वैसे तो हम इन सारी चीज़ पर विश्वास नहीं रखते, पर ज़रूरी काम या एग्ज़ाम से पहले रिस्क क्यों लेना, पर इसके पीछे भी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन छुपा है। दोस्तों दही चीनी खाने के पीछे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग साइंस है। दोस्तों एक तो इसके पीछे ये साइंस है कि हमारा जो ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करता है जब हम कुछ मीठा खाते हैं, और इस वजह से जो भी हम काम करने निकलते हैं चाहे वो एग्ज़ाम देना हो या फिर किसी मीटिंग में जाना हो वो सक्सेसफुल रहता है। और दूसरा ये है कि जब गर्मियों के दिन में या फिर कभी भी आप बाहर निकलते हैं तो दही चीनी खाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे हमारा बॉडी कूल रहता है और हमें ज़्यादा बाहर का डेंस टेम्परेचर नहीं लगता। दोस्तों आपने पूजा तो ज़रूर ही की होगी और आपने ज़रूर भगवान की मूर्ति के सामने ही पूजा की होगी, कभी आपने भगवान की मूर्ति के पीछे पूजा नहीं की होगी, क्योंकि ये माना जाता है कि भगवान की मूर्ति के पीछे से पूजा करना भगवान को अपमान करना होता है। हमेशा पूजा भगवान की मूर्ति के आगे ही करना चाहिए। दोस्तों वैसे तो विज्ञान भगवान जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं रखता है, पर इस रिवाज के पीछे भी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। दोस्तों मूर्ति के सामने पूजा करने के पीछे एक सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का साइंस है। दोस्तों जब हम मूर्ति के सामने बैठते हैं तो हमारा जितना भी ध्यान है यानी अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन वो सब बना रहता है, और ऐसे में अगर आप एक आस्तिक यानी कि भगवान में मानने वाले इंसान हैं तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है पूजा करते वक्त, आपका मन नहीं भटकता, और दूसरा इससे एक टाइप का मेडिटेशन भी हो जाता है। तो दोस्तों आप इससे तो इतना जान ही चुके होंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति बेसिकली विज्ञान यानी साइंस के बेस से ही बनी है, यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति में जो भी कहा गया है उसका विज्ञान से कुछ ना कुछ ताल्लुक है ही। तो दोस्तों ये था हमारे कोलैबोरेशन का पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक आपको अनसीन भारत के चैनल पे मिलेगा 25 तारीख को। तो दोस्तों उनके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे चैनल को भी प्लीज़। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।